हेलो स्टूडेंट्स, आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बहुत टाइम हो गया है क्लास लिए हुए. ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज नॉट कमिंग टू टेक द वीडियो क्लासेस एंड फ्रॉम टुडे आई विल अगेन स्टार्टेड अवर स्टडीज. सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्टडीज किया होगा एंड ओके देन बिना देर किए वी अगेन स्टार्टेड एंड टुडेज अवर क्लास इज अबाउट लीव. सो इन अवर प्रीवियस टॉपिक आई एम गिविंग यू अ समरी. इन अवर प्रीवियस टॉपिक वी आर टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस. सो about its definition, whole process and its equation, productivity, events occur during photosynthesis. We talked a lot about all of these things and यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समरी में बता देती हूँ about events occur during photosynthesis. So in this process there are three steps. First one is absorption, second one is conversion, third one is reduction. In the first step absorption, isme kya hota hai ki light energy ka absorption hoga. Kaun karega? Chlorophyll. Aur second step mein hoga conversion. Conversion mein jo light energy hai that will convert into chemical energy by splitting of water into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ थर्ड स्टेप इज रिडक्शन. सो इन रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज. इट इज ऑल्सो हैविंग एसिमिलेटरी पावर एंड दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड एट द टाइम ऑफ नीड जब भी उनको जरूरत होगी for energy they use this starch, they will convert it into again in glucose and glucose breakdown occur and then they will get the energy from this glucose molecule. यहाँ तक तो हमने बात की events occur during photosynthesis. Now today we are going to learn about the leaf structure of leaf. So first of all first question is arises in our mind is that what is leaf? Leaf kya hota hai? Leaves are flat and have large surface area. Leaf jo hai uska structure kaisa hoga? It is a flat structure and having a large surface area. Jo surface area hai iska ye that is large. Then what is lamina? There are some tiny pores present in leaf which are microscopic pores and that are what they are stomata. So these stomata are used for gaseous exchanges and the flat part of the leaf is known as lamina. This flat part is known as lamina. Lamina are thin structure with large surface area which facilitate diffusion of gases. अभी क्या काम करेगा? एक तो diffusion of gases में वो help करता है और दूसरा ये sunlight को absorb करने में help करता है. Means if surface area or lamina is more then more diffusion of gases and more absorption of sunlight. So ये दोनों ही प्रोसेस मोर होंगे अगर लेमिना जो है वो ब्रॉड हुआ. अगर शॉर्ट होगा तो ये दोनों ही जो चीजें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी रिड्यूस हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट भी वो कम एब्जॉर्प्शन सनलाइट का करेगा. देन लेमिना
क्या होता है, हैव गुड सप्लाई ऑफ वेन्स. इसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं डायग्राम में. एंड इसमें फ्लेमिना में काफ़ी फोटोसिंथेसिस का रो मटेरियल कलेक्ट होता है. बेसिकली इट इज़ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. सो नाउ एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का, उसमें क्या होता है. अरेंजमेंट होता है मेसोफिल सेल्स का एंड क्लोरोप्लास्ट का. जो ओरिएंटेशन होता है वो उसमें होता है. और ये दोनों ही चीज़ें हम लोग अच्छे से जानते हैं फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करती हैं. और इसीलिए लीफ को एक और नाम से जाना जा सकता है, दैट इज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर. तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लीफ स्टॉक, दैट इज पेटियोल. ये जो लीफ स्टॉक है जिससे कि जिसकी हेल्प से लीफ जो है वो अटैच होती है किसी भी ब्रांच के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक या फिर पेटियोल. इसके लार्ज सरफेस एरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये दैट इज लेमिना. तो लेमिना जो है वो एक तरह से सरफेस एरिया होता है लीफ का. जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और एब्जॉर्प्शन में हमें लीफ को एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में हेल्प मिलेगी. देन हम बात करेंगे थिन लीव्स के बारे में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एंड इन दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू स्टडी. इन तीनों के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं. नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देन दिस इंटरनल स्ट्रक्चर इज व्हाट. इंटरनल स्ट्रक्चर में हम वो स्ट्रक्चर स्टडीज करेंगे जो कि हम नेक्ड आई से ही देख सकते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बाहरी स्ट्रक्चर होता है. इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है लीफ का, जो कि हम ऐसे जो फिजिकल फॉर्म है उसमें देख सकते हैं. लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें माइक्रोस्कोप का यूज करके ही हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा. सो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है कि लीफ जो है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों तरफ से एपिडर्मिस से घिरा हुआ होता है. यानी कि जो फर्स्ट ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम आउटर एपिडर्मिस. एंड लोअर जो होता है जिसमें कि क्लोरोफिल भी कम होते हैं और वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस. सो आउटर पार्ट इज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर दैट इज नेक्स्ट वन इज लोअर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज बैरल शेप्ड सेल्स एंड डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यानी कि एपिडर्मिस के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता. एपिडर्मिस में हमें मिलते हैं स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हमने नाम दिया था स्टोमेटा. तो जो स्टोमेटा है दैट आर सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स. स्टोमेटा जो है सबसे ज़्यादा तो लोअर एपिडर्मिस में मिलेगा और सबसे कम अपर एपिडर्मिस में मिलेगा. अब आप लोग पूछेंगे व्हाई, क्यों स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होता है और अपर एपिडर्मिस में कम होता है. तो इसका रीज़न ये है, अपर एपिडर्मिस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सनलाइट के. तो सनलाइट के कांटेक्ट में होने के कारण अगर स्टोमेटा ऊपर ज़्यादा होंगे लीफ के तो
उसमें वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ एपिडर्मिस में, वो रिलीज हो जाते हैं वेपर की फॉर्म में। तो इसीलिए अपर एपिडर्मिस में सनलाइट के कारण ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने के कारण वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हमारा जो नेचर है, उस नेचर ने, मेरी प्रकृति ने क्या किया है कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है लीफ का कि ऊपर जो है सतह पर तो होंगे सरफेस पे, अपर एपिडर्मिस पे कम स्टोमेटा, और लोअर एपिडर्मिस क्योंकि सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होता तो ट्रांसपिरेशन रेट जो होगी वो कम होगी। इस वजह से जो स्टोमेटा है वहाँ ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। इसी तरह से स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप्ड होता है इस तरह से, और बीच में जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये स्टोमेटा क्लोज होगा तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर पे होगा। यहाँ पे आपको कोई पोर नजर नहीं आ रहा, दैट इज क्लोज्ड स्टोमेटा। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स जो कि स्टोमेटा के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जीसी, दैट इज गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा में मतलब जो भी वाटर जो होता है आसपास के नियर अबाउट सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करके इस गार्ड सेल को देते हैं। ये गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, जब टर्जिड हो जाएगा तो एक पोर फॉर्म हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अगर इनको स्टोमेटा क्लोज करना है तो क्या होगा, ये यही वाटर स्टोमेटा से लेकर गार्ड सेल दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देंगे एंड देन स्टोमेटा बिकम फ्लैसिड एंड इट विल बी क्लोज्ड। तो इस तरह से जो है ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है बेसिक फॉर्म में कि स्टोमेटा किस तरह से फंक्शन करता है। और स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं गार्ड सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेसोफिल सेल्स। तो आज हमने मेसोफिल सेल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ही देखना होगा कि मेसोफिल सेल्स कहाँ पे काम में आते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वहाँ पे ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं, लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, और इनको हम पैलीसेड भी कह सकते हैं, इको नाम है इनका पैलीसेड, दैट आर वेरी रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड मोस्टली फोटोसिंथेसिस जो है दैट अकर इन पैलीसेड लेयर मीन्स इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स lies towards lower epidermis is made up of loosely arranged cells called spongy cells. Lower epidermis की तरफ जो cells होती हैं mesophyll cells वो loosely bound होंगी। loosely bound होने के कारण क्या होता है कि gases exchange में वो उनको ज़्यादा helpful मतलब हेल्पफुल साबित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्पंज होता है, आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज में काफ़ी स्पेस होता है, अगर आप उस स्पंज को दबाओगे तो काफ़ी आपको उसका सरफेस एरिया हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसी तरह से स्पंजी टाइप स्ट्रक्चर, स्पंजी टाइप सेल्स होती हैं पैलीसेड सेल्स। और जो पैलीसेड सेल्स हैं उसमें इसी वजह से स्पेस होता है ताकि गैसेज एक्सचेंज जो है वो ईजिली हो सके एक सेल से दूसरे सेल में
स्पेसेस आराम से इजीली मूव कर सकते हैं। स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स स्वेल्स होंगे। जब भी गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ये प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, देन लीव्स जो हैं उनमें जो वेंस होती हैं वो वेंस वाटर सप्लाई का काम करती हैं और ये वाटर काम में आता है फूड मेकिंग के। फूड प्रिपरेशन में हम लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में हम स्टडी कर चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाता है C6H2O। तो ये तो हो गया एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का फंक्शन हम देख चुके हैं, स्टोमेटा के बारे में हम देख चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगी कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी यूज रॉ मटेरियल, मीन्स लीव्स यूज रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे कन्वर्टेड इन टू C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, विच इज़ अ ऑर्गेनिक फूड एंड दिस इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दैट दीज फोर थिंग्स आर मस्ट विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, दैट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर लार्जेस्ट ऑर्गेनेल आफ्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है, यानी हम कह सकते हैं इसे सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ अ प्लांट सेल, एंड इट हैविंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण क्लोरोप्लास्ट इज अपियरिंग ग्रीन। ओके, इट अपियर्स ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। इन अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ लीव, जब हम वर्टिकल सेक्शन देखेंगे लीव का, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें डॉटेड फॉर्म में नजर आएगा। वर्टिकल सेक्शन कैसे होता है, जैसे ये लीफ है, अगर लीफ को मैं इस तरह से कट करूंगी तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और अगर मैं ऊपर से इस तरह से कट करती हूँ इस तरह से, तो हो गया वर्टिकल। यानी परपेंडिकुलर जब हम कट करेंगे दैट इज वर्टिकल, और पैरेलली जब हम कट करेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो जब भी हम वर्टिकली कट करेंगे लीफ को, वी विल सी सम डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर। दैट डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आर व्हाट, दैट आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर एनर्जी कन्वर्टर बिकॉज दे ट्रैप सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रखते हैं और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स। एक और इसका नाम मिल गया, एनर्जी कन्वर्टर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट में वी कैन सी थैलेकोइड्स एंड ग्रेना। व्हाट आर दे, थैलेकोइड्स और ग्रेना क्या होते हैं? तो जो थैलेकोइड्स होते हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब बोरा, जिस तरह से हम बोरों की ढेरी बना देते हैं एक के ऊपर एक, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, तो उसे हमने क्या नाम देंगे, दैट आर थैलेकोइड। यानी कि जो एक बोरी है इसको क्या बोलेंगे, थैलेकोइड, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेना। सिंगल फॉर्म में जब एक बोरी रखेंगे तो उसको हम बोलेंगे थैलेकोइड,
और जब हम इस थैलेकोइड का पूरा ग्रुप देखेंगे, एक के ऊपर एक बोरी की तरह से रखा हुआ, या फिर सिक्के जमाते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इस तरह से सिक्के जमाते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। जी से ग्रुप, जी से ग्रेना आप याद रख सकते हैं। और जो दूसरा नाम है, जो सिंगुलर फॉर्म है, यानी एक के बारे में हम बात करेंगे, सिंगल के बारे में, तो थैलेकोइड। ओके, नाउ क्लोरोफिल जो है, इट इज़ फाउंड इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ये एक थैलेकोइड है, इस थैलेकोइड की एक फर्स्ट एक ये वाली मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट हैविंग क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और इन पूरे जो ग्रेना है किससे अटैच होंगे, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, जो कि क्या कहलवाता है, स्ट्रोमा। ये जो जेली लाइक स्ट्रैंड है, यानी कि जो दो ग्रेना है वो किससे अटैच होते हैं, स्ट्रोमा से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो है थैलेकोइड है सिंगल, ये पूरा ग्रुप हो गया ग्रेना। दो ग्रेना को जो अटैच रखेगा वो है स्ट्रोमा। ओके, नाउ इस तरह से जो है ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का। वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से आता है, तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम के थ्रू ब्रांचेस और ब्रांचेस के थ्रू लीफ तक पहुंचाती हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। जो कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सब चीज़ें, जिंक, ये सब वो रूट्स के थ्रू सॉइल से ले लेता है। ये जो मिनरल हैं ये उसका स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट बनाने के काम में आते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है, यानी उसकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ, रूट्स, ब्रांचेस, ये सब कौन किसके थ्रू बनते हैं, मिनरल्स के थ्रू बनते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर बात करें, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अच्छी होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 30 degrees centigrade। तो जब प्रोडक्टिविटी हाई होगी वो कब होगी, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर उसे चाहिए रूम टेम्परेचर। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सकुलेंट्स। तो जो सकुलेंट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, उनमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा डे टाइम में क्लोज रहते हैं और नाइट टाइम में वो ओपन हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो सकुलेंट्स हैं वहाँ पे एक तो वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो वाटर कम मिलने के कारण अगर बचा बचा वाटर भी स्टोमेटा ओपन अगर डे में होंगे, तो जो भी वाटर उन्हें मिला है वो भी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से नाइट में उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, तब सनलाइट उनको ज़्यादा, मतलब सनलाइट होती नहीं है, तो इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस नाइट में करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, डे टाइम में जब सनलाइट अवेलेबल होती है, तब वापस ये जो इन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया है नाइट टाइम में सकुलेंट्स ने, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो स्टोर होता है ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में, और ये ऑर्गेनिक एसिड दोबारा कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट टाइम में। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो जो भी इनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है डे टाइम में वो किस तरह से करेंगे, स्टोमेटा तो क्लोज हो गए लेकिन इनके पास अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ये लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और लीफ किस तरह फोटोसिंथेसिस को करने में हेल्प में लेते हैं प्लांट्स, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पैलिसेड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो वास्कुलर बंडल है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड उसके बाद थोड़ा सा और हम थोड़ा अडेप्टेशन और उनके रोल्स के बारे में, उसके रोल्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन एंजॉय लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।